नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, सौराष्ट्र के राजा महाराजा महेश कुमार मीना एक बार वहां पे बैठे हुए थे और भोजन कर रहे थे। उनका एक सेवक भी उनको भोजन करा रहा था। यह सेवक बहुत ही गंभीर सेवक था जो कि राजा के प्रति बहुत ही वफादार था। भोजन परोसते समय इसने जब राजा को सब्जी दी तो सब्जी के कुछ छींटे राजा के बड़े बेशकीमती कपड़ों के ऊपर गिर गए। राजा को यह देख के बहुत क्रोध आया। जैसे ही यह सेवक समझ गया कि राजा को बहुत क्रोध आ चुका है, इस सेवक ने कटोरी में की बाकी सब्जी भी उठाई और राजा के कपड़ों में उलट दी। यह देख के राजा बड़े हैरान थे। उनको क्रोध तो था पर साथ में हैरान भी थे कि कोई सेवक ऐसा कैसे कर सकता है। एक तो गलती, ऊपर से उससे ज्यादा गलती ये कर रहा है। इसके बाद राजा महेश कुमार मीना ने ये पूछा इस सेवक से कि आपने मुझे ऐसा क्यों किया, पहले तो गलती करी, उससे ऊपर बहुत ज्यादा गलती। इस बात को सुनने के बाद सेवक ने कहा, महाराज मैं जानता हूं कि आप जब मेरे से छींटे गिर गए थे तो आपको बहुत गुस्सा आया था, मैं बात आपके चेहरे पर देख सकता था और मुझे लगा कि इस बात के ऊपर जरूर मेरे को फांसी की सजा आप दे डालेंगे, पर मैंने सोचा कि अगर इतनी छोटी सी बात पे अगर आप मुझे फांसी की सजा देंगे तो लोग आपको बहुत निर्दयी राजा बताएंगे। लोग बोलेंगे कि राजा बड़ा निर्दयी है, इस छोटी सी बात के ऊपर इसने अपने सेवक को फांसी पे चढ़ा दिया। तो मैंने सोचा मुझे ज्यादा बड़ी गलती करनी चाहिए, मैंने तो मरना ही है, पर मेरी ज्यादा बड़ी गलती से आपके ऊपर लोग ये बात नहीं कहेंगे कि राजा ने छोटी सी गलती पे सेवक को सजा दे दी। कम से कम सेवक की सजा तो बड़ी हो, उससे आपका मान बढ़ेगा। ये बात सुन के राजा चौंक गए और उनको ये बात का एहसास हुआ कि उनका जो सेवक है वो उनके लिए कितना समर्पित है। जी हाँ, जीवन में समर्पण बड़ा मुश्किल भाव है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। हम छोटी सी परेशानी आने पे अपने सद्गुरु को और परमात्मा को बहुत जल्दी दोष दे देते हैं। इस कहानी से हमारे को शिक्षा मिलती है कि अगर हम कितनी भी परेशानी आने पर भी परमात्मा को या अपने सद्गुरु को दोष नहीं देते हैं तो हम वास्तव में एक शिष्य की भांति समर्पण में हैं। हमें चाहिए समर्पित होकर जीवन बिताएं और परमात्मा और अपने सद्गुरु के प्रति कृतज्ञ रहें। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आज के लिए नमस्कार।